नारायण 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 नारायण, यानी दोनों कार्य बहुत ही महर्षि कृपा से आनंद के साथ हो गए। आनंद रस रत्नाकर है ना, तो आनंद रस रत्नाकर का जो संकलन है महर्षि के अनेक ग्रंथों में से, वो भी महर्षि ने करवा दिया बहुत ही आनंद के साथ। और ये जो रिकॉर्डिंग है वो भी आज 30 और 31 दिसंबर का करके ये भी आज पूरा हो जाएगा। और ये तो मतलब महर्षि की वाणी है, तो इसलिए इसकी व्याख्या तो अनंत काल तक हो सकती है। तो इसका तो कोई मतलब, अपने हृदय ग्रंथि अगर खुल गई है ठाकुर जी कृपा से, तो व्यक्ति उसमें आनंद लेता रहे। इसीलिए तो ये कृपा धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज वगैरह इतनी रहस्य की बातें बताते हैं। मैंने सुनाया ना कि वहाँ अलौकिक ही है पूरा का पूरा, वहाँ लौकिक का काम ही नहीं है। सभी चीज़ें, जबकि गोपियाँ सब ऐसे ऐसे वर्णन कर रही है जैसे लौकिक जो संसार में लोगों को डाह होती है, ईर्ष्या होती है, इस प्रकार से वर्णन कर रही है गोपी गीत में। पर ये तो महात्मा लोग समझाते हैं कि ये तो सब लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, क्योंकि तभी तो उसका आनंद आएगा। वहाँ अगर गोपियों को बस कोई डाह नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई रूठना नहीं है, कोई मनाना नहीं है, तो फिर क्या आनंद आएगा, है ना। तो इसीलिए कहा कि हजार गुना लाख गुना करोड़ गुना यहाँ के लौकिक प्रेम से गोपियों का प्रेम ज़्यादा है ठाकुर जी से। यहाँ की आसक्ति में जब इस प्रकार देखने में आता है ना, तो वहाँ जो है वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त वर्णन कर रहे हैं बात को। तो नारायण 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 नारायण, तो ये जो है कृपात्री जी महाराज ने जो समझाया कि एक ही अखंड ब्रह्म में है ना ठाकुर जी बन गए, राधा बन गई, गोपियाँ बन गई, तो वहाँ की जो लीलाएँ हैं, तो लौकिक जो मतलब हम लोग देखते हैं, तो उससे तो वो जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो हजार लाख करोड़ गुना ज़्यादा है ना। तो इसलिए फिर वहाँ की जितनी चीज़ें हैं वो बोले कि तटस्थ रूप से उसका आनंद नहीं ले पाओगे, खुद बनना पड़ेगा। वैसे खुद बनना पड़ेगा मतलब अपने को कल्पना करनी पड़ेगी कि मेरी वो स्थिति है, तब तो जाके उसका आनंद आएगा। तो ऐसे करके महापुरुष लोग बहुत, यानी ये प्रेम जो है आसक्ति, स्वाभाविक प्रेम, तो स्वाभाविक प्रेम जो है उसकी स्थिति यही है। वो व्यक्ति को कितना, कितनी व्यथा, कितनी संताप, कितना उसको पीड़ा होती है ना आसक्ति में, वो जो लौकिक हम देखेंगे तभी अलौकिक वाला गोपियों का समझ में आएगा। तो लौकिक में उन्होंने कहा कि एक आती है हमारे पास देवी जी, तो अब वो उसको एक अपने गुरु, स्त्री गुरु है उनकी, तो उससे इतनी आसक्ति है कि इतना अपमान, इतना ये, इतना वो होता रहता है, और वो व्यथा में रोती रहती है और जाती पूछती रहती है कि भाई अब इसका क्या उपाय है। कोई उसका उपाय नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो आसक्ति है उस आसक्ति में, यानी लौकिक आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं, और वो भी बोले कि पुरुष का स्त्री में हो तब भी कोई बात हो, है ना। पर वो तो जो है स्त्री का स्त्री में, इसलिए आके वो बता देती है हमको, है ना, कि भाई देखो ऐसे है और हमको बड़ा कष्ट है और बड़ा सा। बोले कि संसार में इतनी पीड़ा किसी को हो ही नहीं सकती जितना हम उसको दुखी देखते हैं, तो आसक्ति में इतनी पीड़ा है। तो ये गोपियों का जो प्रेम है हजारों लाखों करोड़ों गुना ठाकुर जी से, तो उसकी कल्पना गोपी गीत सुना रहे हैं ना। तो गोपी गीत में सचमुच में हमको मतलब अंदर प्रवेश करवा रहे हैं कि ये गोपियों का प्रेम कैसा है। गोपियों के प्रेम के बारे में तो बार बार आया है कि भाई प्रेम की ध्वजा है और है ना उससे, तो अब उसको कैसे हम कल्पना करें, ये महापुरुषों ने अपने प्रवचन में बड़ा बढ़िया समझा। तो खैर मैं ये बता रहा था कि ये तो आनंद रस रत्नाकर और जितना भी साहित्य हमारा सीखा, क्योंकि कल ही मैं विचार कर रहा था कि आनंद रस रत्नाकर के दो पृष्ठ हो जाए, है ना। मैं ये कह रहा था कि ऐसे विचार आया कि भाई ये आनंद रस रत्नाकर का तो खैर कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, तो
भक्ति सर्वस्व करके महाराष्ट्र का ग्रंथ है जो लिखवाए हुए लेख हैं भक्ति पर, है ना। तो उसमें कुछ जो हमारे काम के, मतलब काम के तो सभी हैं, पर यहाँ जो रिकॉर्डिंग भी होती रहेगी और उस पर चर्चा भी करेंगे। तो आज मैं ले आऊँगा भक्ति सर्वस्व की पुस्तकें, पढ़ी है मेरे पास, वो उन्होंने बटवाई थी अपने, क्या नाम इनका, सेठी जी ने अपने उस भागवत में, तो मेरे पास पढ़ी है, मैं ले आऊँगा। तो कल से भक्ति सर्विस करेंगे। आज जो है हम लोग, तो ये तो मैंने जैसे बताया आनंद रस रत्नाकर या कोई भी महाराष्ट्र का ये महापुरुषों का जो होता है उसका हम ये नहीं कह सकते कि भाई व्याख्या हो गई और आप लोग सुन लो, है ना। इसमें तो स्वयं को जैसे जैसे अपनी साधना बढ़ेगी वैसे वैसे और चीज़ें इसके अंदर के रहस्य पता लगते हैं, है ना। क्योंकि ये तो ऐसी वाणी है जिसमें से निकलता ही रहेगा। देखिए गोपी गीत भागवत का, भागवत आपने बताया ना, ठाकुर जी ने कहा कि हमको कख गग नहीं आता भागवत का, ये भागवत तो ये मतलब यही सच्ची मतलब स्थिति है। अगर कुछ लोगों ने रहस्य का पता लगाया है तो यही लोग हैं जो ऋषि तुल्य हैं, महाराष्ट्री धर्म सम्राट कर्पातिल जी महाराज, है ना, ऐसे महापुरुष। तो आज बता रहे हैं 30 दिसंबर के पृष्ठ में मांडुक्य कारिका प्रवचन आगम प्रकरण में से ये पृष्ठ 558-559, तो वहाँ से मैंने ये लिया क्योंकि ये बात जो है महर्षि की हम सब लोगों के बहुत काम की है। महर्षि समझा रहे हैं कि इस समय समाज में क्या मान्यता हो गई है और कितनी गलत मान्यता हो गई है। तो शीर्षक है मानवता के लिए एक बड़ी भारी घातक प्रवृत्ति। तो वो जो घातक प्रवृत्ति है वो क्या है, वो ये गलत मान्यता, उसको आज महर्षि बताएंगे इस 30 दिसंबर के पृष्ठ में। और हमको ये पृष्ठ, इससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि हमने वहाँ जब मैं दक्षिण में था तो राम जी तो कई बार मिलना होता था उनसे, तो तुली बाबा वहाँ तिरुवन्नामलाई आए हुए थे, तो हमने राम जी को कहा कि इस पृष्ठ को तुम तमिल में अनुवाद करके और तुली बाबा को सुनाओ। उन्होंने हमारे कहने से अनुवाद किया, तुली बाबा को सुनाया तमिल में, क्योंकि हिंदी तो उनको आती नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ है। महर्षि कह रहे हैं कि आज दुनिया में एक हवा बह गई है, लोगों ने कर्म को अत्यधिक कीमती समझ लिया है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम उसको कीमती नहीं समझते हैं, हम भी कीमती समझते हैं, वह है कीमती, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि कर्मे व ईश्वर है, कर्म ही ईश्वर है, है ना। अंग्रेजी में भी हो गया इसका, वर्क इज वर्शिप, है ना। तो कर्म को बहुत बड़ा ओहदा दिया हुआ है। तो महर्षि कह रहे हैं कि हमारे भी यहाँ इस प्रकार के शास्त्रों में वाक्य है कि कर्म ही ईश्वर है, पर कौन सा कर्म ईश्वर है। पानी पीटना ईश्वर नहीं है, है ना। कोई लाठी है उसके पास और बैठ के अपना नदी के पास बैठ के और पानी पीट रहा है, तो ये कर्म तो है ही है, पर ये ईश्वर नहीं है। कौन सा कर्म ईश्वर है, जो लोक हितकर लोकोपयोगी श्रम है, धर्म है, है ना, उसकी प्रतिष्ठा करो, पूजा करो, है ना, वह जो है ईश्वर है, ये अभिप्राय है। पर इसके साथ साथ महर्षि एक बात यहाँ बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि महाराज श्रम यानी कर्म के साथ धर्म के साथ उसका एक पहलू और भी होता है। कौन सा पहलू, श्रम के साथ साथ शांति भी होती है। प्रत्येक पदार्थ के दो पहलू होते हैं। तो ये हो क्या रहा है कि गड़बड़ इसी में हो रही है कि सिर्फ एक पहलू को महत्व दिया जा रहा है और दूसरा जो शांति वाला पहलू है उसकी बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है। वो शांति वाला पहलू क्या सिखाता है, सुनो। बहुत से लोग हैं वो उसी शांति के लिए, है ना, समाधि आदि की साधना करते हैं, ध्यान की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं, तो इसकी भी एक कीमत होती है। ये जो है शांति वाले पहलू की बिल्कुल उपेक्षा करना, है ना, वो गलत है। क्यों, इसकी भी एक प्रतिष्ठा होती है। कर्म की इतनी प्रतिष्ठा तो नहीं होनी चाहिए ना कि
जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म है, जिस ध्यान समाधि, जिस ईश्वर, जिस आत्मा के साक्षात्कार के लिए कर्म है, वह धर्म ही छूट जाए, वह समाधि ही छूट जाए, वह ध्यान ही छूट जाए। इतनी तो कर्म की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। वो जो सज्जन जो अपना आनंद से लेटे थे पेड़ के नीचे, है ना, तो वो जो कर्म की प्रतिष्ठा वाले ने उसको यही कहा कि ऐसे लेटे लेटे, है ना, शर्म नहीं आती तेरे को? तो बोले भाई क्या क्या करें आप बताओ, है ना। तो बोले कि ऐसे ऐसे, है ना, कर्म करो। तो भाई वो जब उसने पूछा भाई कर्म करके क्या होगा, उसने बताया कि कर्म करके ऐसे पैसा मिलेगा, पैसे पैसे से क्या होगा, बोले पैसे से भोग करोगे, भोग से क्या होगा, बोले भोग से सुख मिलेगा, सुख से क्या होगा, बोले सुख से शांति से फिर अपना आनंद में सोओगे। तो बोले वो तो मैं सो आनंद से लेटा हुआ हूँ। तो कर्म की इतनी प्रतिष्ठा तो नहीं होनी चाहिए कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म है, जिस ध्यान समाधि, जिस ध्यान समाधि, जिस ईश्वर, वो उनका कह रहा होगा ना वकील साहब का, ये भी नौकरी मिलना की बड़ी गवर्नमेंट के काम से कम हो रही है। तो हम लोगों का ये प्रसंग चल रहा था कि भाई जिस ध्यान समाधि ईश्वर, जिस आत्मा के साक्षात्कार के लिए कर्म है, वह धर्म ही छूट जाए, वो समाधि ही छूट जाए, वो ध्यान ही छूट जाए, इतनी तो कर्म की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए भाई। माने भजन न छूटे, दूसरे शब्दों में महाराष्ट्र समझा रहे हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वह न छूटे, योग न छूटे, उपासना न छूटे, है ना। पर बोले कि सब लोग तो अधिकारी हैं नहीं। तो बोले ठीक है, जो लोग उसके अधिकारी नहीं है, जो उसको नहीं कर सकते हैं, यानी भजन, योग, उपासना, ये सब नहीं कर सकते हैं, अथवा कर तो सकते हैं पर पूरे समय नहीं कर सकते हैं। भाई आप वो महात्मा लोग जो है सुबह से रात तक यही करते रहते हो, है ना, हम तो नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं, तुम पूरे समय नहीं कर सकते हो तो उनके जीवन में उतने हिस्से में, है ना, जिसमें वो फ्री हैं, अपना कर्म करें, उसके लिए मना नहीं है। पर ये जो हवा चल पड़ी है कि एक दुनिया में एक हवा बह गई है कि भाई आगे बताएंगे महर्षि, छोड़ो ये सब, है ना। उसके पहले एक पृष्ठ में आया था आनंद रस रत्नाकर में कि कम्युनिस्ट आके हमको कहते हैं कि आप लोगों के ऋषियों ने और आप लोगों ने जो ये प्रयोग किया, है ना, कि ईश्वर की भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, लोग ईमानदार बनेंगे, बोले वो प्रयोग फेल हो गया। तो अब जो है आप जो है बोले अब क्या करना है, बोले अब जो है ना आ जाओ कर्म के क्षेत्र में। तो एक कर्म के क्षेत्र वाले बड़े विचित्र होते हैं, तो वहाँ हमारा शिन का हमारा सिर नीचा हो जाता है। भाई सत्संगी लोगों को तो कम से कम इतना ध्यान तो देना चाहिए, है ना, हमको उलाना देते हैं लोग। तो कर्म करो और ये जो है ईमानदारी से इधर अपना भजन करो, दोनों बात है। कर्म का दूसरा पहलू जो शांति है, उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पर हवा क्या बह गई, बोले कि महापुरुष का केवल ये अर्थ नहीं है कि जो चरखा काते उसी का नाम महात्मा, उसमें महात्मा गांधी जी का समय था, है ना। तो वही अब सब लोगों से चरखा कटवा रहे थे, तो बोले ये तो अर्थ नहीं है ना। जो झाड़ू लगावे उसी का नाम महात्मा, तो बोले कि क्या ये गलत है, महात्मा गांधी क्या गलत बोल रहे हैं भाई? वो ठीक है, पर ध्यान लगाने वाले भी महात्मा होते हैं, समाधि लगाने वाले, वेदांत विचार करने वाले भी महात्मा होते हैं, है ना। इस बात को आप लोग क्यों भूल रहे हैं? ये जो महात्मापने की आज कसौटी बदलती जा रही है ना, जो बदलने का रुख है, जो नई हवा आती है वह कहती है कि क्या एकांत में बैठे हो, है ना, गोपालगढ़ में क्या करते हो, है ना, क्या एकांत में बैठे हो? अब माला फेरने का युग गया, छोड़ो भजन, अब आओ हमारे कंधे से कंधा मिलाओ और उतर पड़ो कर्म क्षेत्र में, है ना। तो अब ये जो आजकल ये जो हवा बह गई है वो बहुत ही खतरनाक है। जो नई हवा आती है यानी नई पीढ़ी वाले लोग जो है वो इस प्रकार की सब बातें करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये हमारे देश के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए बड़ी भारी एक घातक प्रवृत्ति लोगों के चित्त में
लोगों के जीवन में आ रही है। यानी यहाँ कहने का मतलब महाराष्ट्र का इतना ही है कि बैलेंस रहना चाहिए। एक ये जो कर्म को इतना महत्व दिया जा रहा है कि उसके लिए भाई ये सब समाधि छोड़ो, अपना भजन छोड़ो, वेदांत विचार छोड़ो, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अंत में देखिए, आखिरी पैराग्राफ में इसको महाराष्ट्र समझा रहे हैं कि ये क्यों गलत है। भैया, यदि तुमको साधुओं से कोई लाभ उठाना हो तो उनसे जाकर कहो, हाथ जोड़ो कि महाराज, आप लोग जो ध्यान करते हैं इससे विश्व का बड़ा भारी कल्याण है। आप जो समाधि लगाते हैं, वेदांत विचार करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, एकांत में रहते हैं, वह तो विश्व के लिए एक खजाना है। ये महर्षि के जो वाक्य हैं वो किस संदर्भ में कह रहे हैं कि अगर तुमको साधुओं से कोई लाभ उठाना हो तो। हमको तो साधुओं से लाभ नहीं उठाना है, हम तो साधुओं को ही बताएंगे, है ना, कि वो गलत कर रहे हैं। तो ये तो साधुओं को तुम क्या बताओगे गलत? देखो सुनो, क्योंकि संसार तो भोग की चक्की में पिस रहा है, कर्म की आग में जल रहा है, संग्रह के रोग से पीड़ित है। अरे भाई, तुम संसार में अगर देखो कि भाई बहुत लोग सुखी हो रहे हैं, है ना, तब तो हम तुम्हारी बात माने, पर संसार की तो ये स्थिति है, है ना, इतना कंपटीशन है भोग के लिए कि भोग की चक्की में पिस रहा है। अब जाओ वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में, है ना, लाइन देखो, सभी लोग जैसे अमेरिका ही जाना चाहते हैं, इतनी लंबी लाइन वीसा के लिए, है ना। तो भोग की चक्की में पिसना क्या है? वो जो है वो मना कर देते, नहीं नहीं जा सकते। हमारे तेजुमय आनंद जी के लिए जवाब आ गया, जब शुरू शुरू में वो थे, विवेक चैतन्य के रूप में शायद संन्यास भी नहीं लिया था, तो गुरु जी ने कह दिया था कि भाई तुमको जाना है अमेरिका, अप्लाई करो। अब अप्लाई करो तो, है ना, ऐसी गुरु जी की लीला हुई कि वो ना आई। बड़े मतलब गुरु जी की उधर आज्ञा, इधर इनका भी मन था कि भाई एक बार, है ना, देख ले भाई वहाँ का, है ना, वहाँ का कर सेवा के लिए जाना था। पर एक होता है हृदय में कि भाई गुरु आज्ञा हो गई है तो अब ये यही लोग मना कर रहे हैं अमेरिका वाले। तो खैर, वहाँ तो एक अपना अध्यात्म वाला काम था, पर ये जो भोग की चक्की में पिस रहे हैं वो क्या है? बोले ये इतना कंपटीशन लगा है, इतना कंपटीशन लगा है कि उसमें जो अच्छे लोग हैं उनको मना किया जा रहा है ना, बिना मतलब। बाद में महर्षि के पास आए थे, तो उस समय तो विपुल में आए थे, हमको ये सब बात नहीं बताई थी उन्होंने, पर जब पहुँचे वापस अपने आश्रम में तब उनका फ़ोन आया। तब हम फ़ोन पे बात करते थे कि आज ऐसा चमत्कार हुआ कि महाराष्ट्र को हमने प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना की, अरे कि हमारा काम हो जाए, और वहाँ से वीसा का आ गया। दूसरी बार वीसा का दिया होगा तो वीसा मिल गया। तो कह रहे हैं कि या पहली बार में कोई जो गलती हो गई तो उन लोगों ने वो अपनी गलती सुधार ली और बता दिया कि नहीं भैया आपका वीसा, क्योंकि किसी उनके नाम से कोई दूसरा था, है ना, वो गलत काम किया था तो इनका रिजेक्ट हो गया कंप्यूटर में गलती से। तो महर्षि का चमत्कार उसी दिन उन्होंने अनुभव किया। तो कह रहे हैं कि ये बाकी लोग जो है भोग की चक्की में जो पिस रहे हैं, है ना, और कर्म की आग में जल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कर्म वाले जो है बड़े शांति में, वो तो जल रहे हैं और संग्रह के रोग से पीड़ित हैं। ये आ जावे, ये आ जावे, ये आ जावे, है ना। और तो कहने का मतलब ये है कि अगर साधुओं से कोई लाभ उठाना हो तो उनसे जाकर हाथ जोड़कर कहो कि भाई आप जो ध्यान करते हो, समाधि लगाते हो, वेदांत विचार करते हो, है ना, तो वो विश्व के लिए खजाना है, है ना। इसमें अब अंत में महर्षि कह रहे हैं, इसमें ऐसे महात्माओं की ज़रूरत है जो त्यागी हों, एकांतवासी हों, ध्यानपरायण हों, जो भोग निवृत्त हों। बोले कि उनसे बनेगा क्या? बोले कि उनको देखकर उनके शरीर की हवा से लोग यह तो समझें कि बिना भोग के भी हम सुखी रह सकते हैं। आज ये जो धारणा बन गई है कि भाई सुखी होना होगा, सुखी होना है तो भोग। अब उस भोग के लिए कितने गलत कार्य कर रहे हैं, है ना, कितना अधर्म कर रहे हैं, कितना जो पाप कर्म कर रहे हैं वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। और वो पाप कर्म तो दुखी बनाएगा, वो सुखी काम बनाएगा। तो इसलिए
ये साधु लोग जो हैं वो ही हमको समझाएंगे कि असली सुख कहाँ है। सुखी होने के लिए अंतर्मुखता की आवश्यकता है। एक ही पंक्ति में, क्योंकि इस पृष्ठ में मुख्य रूप से तो यही बताना था कि कर्म का और शांति का ये दोनों पहलू जो है जीवन के, उस पर बैलेंस रहना चाहिए। और अब प्रश्न उठा कि भाई अगर आप इसमें बहिर्मुखता में शांति नहीं मान रहे हैं तो शांति फिर किस में है? सुखी होने के लिए अंतर्मुखता की आवश्यकता है। अंतर्मुखता की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि बहिर्मुखता में क्या हो रहा है कि विषय भोग में व्यक्ति परेशान हो रहा है, वो समझ नहीं रहा है जो सुख वो तो असली अंदर ही है, अपने अंदर ही सुख है। क्योंकि जब सुषुप्ति में हम जाते हैं तो वहाँ कोई भोग की चीज़ नहीं है, और उठते हैं तो कहते हैं कि हमको है ना ऐसी बढ़िया नींद आई, आज इतना आनंद आया। अरे आनंद वहाँ कहाँ आया? वहाँ तो न कोई भोग थे, न कोई इंद्रियाँ थी, न कोई तुम्हारे विषय थे, वहाँ किसका आनंद आया? तो ये व्यक्ति समझता नहीं। हमारा जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है, जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अंतर्मुख जब होगा व्यक्ति, तब उसको ये बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। इसलिए राष्ट्र को, विश्व को, मानवता को ऐसे ध्यान परायण, निवृत्ति परायण, समाधि परायण, भगवत भजन परायण महात्माओं की आवश्यकता हमेशा रहती है और रहेगी, है ना? तो सिर्फ हमको ऐसा बनना है ऐसे ही नहीं, पूरे राष्ट्र को, विश्व को और मानवता को, है ना, जो ध्यान परायण, निवृत्ति परायण, समाधि परायण, भगवत भजन परायण जो महात्मा है, है ना, उनकी आवश्यकता हमेशा रहती है और रहेगी। तो इस प्रकार से ये पृष्ठ जो है ये तुली बाबा को जब सुनाया गया तो तुली बाबा बड़े प्रसन्न हुए। अब तो उनका शरीर नहीं रहा। नारायण 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 नारायण।